नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और हमें अभी अजमेर के महाराणा प्रताप स्तंभ है और हमारे पीछे आपको स्तंभ दिख रहा होगा। एक्चुअल में फ़ोन का कैमरा स्टैंड टूट गया है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो के अंदर। तो दोस्तों देखते हैं, मैं आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाता हूँ और देखते रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? देखते रहे वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हमने भी पहली बार देखा है, ठीक है? तो चलो मिलके देखते हैं इस स्तंभ को, ठीक है दोस्तों? तो ये है अजमेर की पहाड़ी की घाटी की सबसे ऊंची चोटी। और इधर से उधर दूसरी तरफ वाला ये रास्ता जा रहा है कि ये है पुष्कर जा रहा है, पुष्कर की तरफ। और ये पुष्कर से आने वाला रास्ता है जो ये से होके और ये अजमेर में चला जाता है, ठीक है? और हम लोग अजमेर की पहाड़ी पे जो महाराणा स्तंभ बना हुआ है यहाँ पे मौजूद है। और ये इधर जो महाराणा प्रताप का स्तंभ है ये वाला है, माई ऐसा पूत जन जेड़ा राणा महाप्रताप। ये महाराणा प्रताप स्तंभ वाली होटल है कांच की, जिसमें जो भी आते हैं वो खाना वाना की व्यवस्था है यहाँ पे। और फूड कोर्ट, बहुत सारे लोग देखने आते हैं, जो घूमने आते हैं वो सब देखने आते हैं इधर। ये देखो ये सड़क जा रही है अजमेर के अंदर। देखो एक पौधा लगी है बिल्कुल। ये जाने किसका पौधा है मुझे भी पता नहीं, मैं भी नहीं जानता। ये है महाराणा प्रताप का स्तंभ। ये देखो दोस्त बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जबरदस्त स्मारक है यहाँ पे। इधर बगीचा बना रखा है, ये देखो। ये वाला रास्ता जाता है वहाँ पे पुष्कर, पुष्कर धाम, ठीक है? ये दूसरी वाली पहाड़ी और स्तंभ देख ही लिया आप लोगों ने। ये देखो ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग। और ये आई लव अजमेर, हमारी गाड़ियाँ इधर पार्क खड़ी है, पार्किंग है। और पानी पीने की व्यवस्था सब कुछ बढ़िया है, ठीक है? तो गाइज आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सपोर्ट करा थोड़ा, ठीक है? तो चलो चलते हैं आगे अजमेर दरगाह की ओर। ओके बाय बाय।